ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और यह किसके लिए, तो ऑल ग्रेड के लिए, फर्स्ट ईयर वालों में सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। और जो इसका आज हम लोग पार्ट सॉल्व करेंगे वो पार्ट टू सॉल्व करेंगे। पार्ट वन हम लोगों ने पीछे की वीडियोज में कर रखा है। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे तो लोग अपना यूट्यूब में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है वहां चले जाइएगा, वहां पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें पहले पार्ट वन वाला देख लीजिएगा, फिर पार्ट टू देखिएगा, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। कौन सा वेबसाइट है आपका? globalitii.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूंगा। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो हमारे बारे में अपडेटेड एक और नॉर्मली आपको नहीं दिखाई देंगे, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में तीन डॉट बना हुआ है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटी कोर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे फिर कई सारे ऑप्शन आपके सामने है। फिर यहाँ से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे नया टैब इस तरह ओपन होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन से नीचे स्लाइड करने पे आईटीआई सेकंड ईयर और आईटीआई फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा। सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगा, नीचे को स्लाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे ड्रॉइंग में प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसमें ध्यान रखना है। एक सेकंड रुक जाए, स्पीकर को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म कौन सा रहेगा, तो जिसका बेस और टॉप दोनों एक जैसा हो प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। क्या जैसा, अगर बेस स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर हो, बेस ट्रायंगुलर है तो टॉप भी ट्रायंगुलर हो, बेस हमारा पेंटागोनल है तो टॉप भी पेंटागोनल हो, बेस हमारा हेक्सागोनल है तो टॉप भी हेक्सागोनल, मतलब बेस और टॉप दोनों एक जैसा है तो वो हमारा प्रिज्म होगा, ठीक है। पिरामिड कब बोलेंगे? प्रिज्म और पिरामिड दोनों आते हैं हमारे एग्जाम में, तो पिरामिड वाला कब बोलते हैं? पिरामिड तब बोला जाता है जैसे नीचे कुछ भी हो, जैसे ये हमारा क्या है, एक दो तीन चार पांच पेंटागोनल है, लेकिन ऊपर भी सेम ऐसी बेस के जैसा टॉप भी नहीं रहेगा, ये सारे पॉइंट क्या होंगे, किसी ऊपर जाकर के किसी एक बिंदु पे मिल जाए, जैसे यहां से गया यहाँ पे मिल गया, यह भी यहाँ जाकर के मिल गया, यह भी यहाँ जाकर के मिल गया, यह वाला भी यहाँ आकर के मिल गया, और यह भी यहाँ आकर के, सब एक पॉइंट पे आकर के यहाँ मिल गया ना, तो यह हमारा पिरामिड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए हमारा ये स्क्वायर टाइप वाला ही हो गया इस तरह से, तो यह क्या होंगे, यह सब कहीं ऊपर एक पॉइंट पे आके मिल जाए, इस तरह से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यह भी यहाँ जाकर मिल जाए, तो चारों अगर एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं तो इस टाइप की जो आकृति बनती है कि जो हमारे बेस में जो आकृति बनी थी उसके पॉइंट ऊपर किसी एक पॉइंट पे आकर के इसकी लाइनें मिल जाए तो ये हमारा पिरामिड होता है, और जब बेस और टॉप दोनों एक जैसा हो जाए तो हमारा प्रिज्म होता है। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान लेंगे कि प्रिज्म है कि पिरामिड है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब यहाँ बात करते हैं, पूछ रहा चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। देखिए हम देख रहे हैं बेस और टॉप एक जैसा है तो सही बात है, ये प्रिज्म है, तो नाम क्या होगा, तो नाम इसका पहचानना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको काउंट कीजिए। देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं नीचे वाले में, नीचे ऊपर दोनों से, मैं किसी को भी काउंट कर लीजिए, इसको कीजिए, इसको ही कर लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह भुजा है, तो छह भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल, क्योंकि प्रिज्म है तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्क्वायर प्रिज्म कब होगा? स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग, वर्ग मतलब जिसमें चार भुजा हो, तो हम इस वाले फिगर में देख रहे हैं कि एक दो तीन चार भुजाएं, भाई एक दो तीन चार, चार भुजाएं, बेस और टॉप एक जैसा है तो प्रिज्म है आपका, चार भुजाएं होंगे तो स्क्वायर प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म, तो यह वाला फिगर देखिए, एक दो तीन चार पांच, देख रहे हैं ना, एक दो तीन चार पांच, पांच भुजाएं हैं तो पेंटागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल आपने देख लिया। ट्रायंगुलर प्रिज्म कब कहलाएगा? ट्रायंगुलर का मतलब त्रिभुज, मतलब जब तीन भुजाएं हो, तो देखिए इसमें एक दो तीन, ऊपर नीचे दोनों सेम है और तीन भुजाएं हैं, तो यह क्या हो गया, हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म को इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। अगला है कि आईएएस मानक के अनुसार, ठीक है, कौन सा सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर ए सही है, कौन सा सिंगल लेटर, सिंगल स्ट्रोक वाला इंक्लाइन लेटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिंगल स्ट्रोक है लेकिन इंक्लाइन लेटर होना, जो सिंगल स्ट्रोक होता है हमारा ना वह इस तरह से, जैसे स्ट्रेट वाला तो सीधा लिखा जाता है, सिंगल स्ट्रोक वाला टेपर लिखा जाता है, यह लगभग ठीक है,
तो जैसे ये 90 डिग्री हो गया ना, तो अगर हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो ये लगभग 75 डिग्री के कोण पर, कितने पे 75 डिग्री पे, या वर्टिकल से बात किया जाए तो 15 डिग्री पे झुका करके लिखा जाता है भाई, टोटल 75 85 90। तो जनरली जो इंक्लाइन लेटर अगर आपसे पूछे कितने कोण पे झुका के रखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पे, वर्टिकल से 15 डिग्री पे, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। इंक्लाइन लेटर कितने झुका कर किस एंगल पे झुका करके लिखा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पे झुका करके लिखा जाता है। जैसे आप क्या करोगे, ऐसे 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 75 डिग्री पे लाइन खींच लीजिए, और अब ये लिखना है आपको, तो ए इस तरह से बनेगा, ठीक है, मतलब तिरछा इस तरह से हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो 75 डिग्री पे झुका करके हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से 15 डिग्री पे, जो भी आपको सही लगे, दोनों याद रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए कौन सा सही, देखिए पहले वाले में जो भी हमारे लेटर लिखते हैं हम लोग ना सिंगल स्ट्रोक वाला, वह 7:5 के अनुपात में रहते हैं। कहने का मतलब है अगर इसकी हाइट 7 mm लेंगे तो चौड़ाई 5 mm, हाइट जैसे हाइट कुछ भी दे दे, हाइट मान लीजिए 10 mm दे दिया, तो आप 10 mm को क्या करोगे 7 भागों में बांट लेंगे, और चौड़ाई को उसी हिसाब से जो एक भाग का मान आएगा जितना चौड़ा, उसी हिसाब से 5 भागों में बांट लोगे। तो यहाँ देख रहे हैं वही किया गया, 7:5 का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खाने हैं, और 5 का मतलब देखिए यहाँ 5 होगा, 1 2 3 4 5 खाने हैं, तो इस 7:5 के अनुपात में लिखा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही था कि देखिए यहाँ से शुरू किया गया 1 2 3 4 लगभग 5 खाने तक इसकी चौड़ाई पहुंच गई है, तो चौड़ाई ठीक हो गया। ऊपर देखिए ऊपर जो ए है तो ये बिल्कुल सेंटर में मिलना चाहिए, तो 1 2 तीसरे के सेंटर में है ना, इधर से भी 1 2 तीसरे के सेंटर में, वह भी ठीक है। लेकिन गलत कहाँ पे आया वाला, तो इसमें देखिए मैंने बताया ना, ए जब बनाएंगे आप लोग भले ही इंक्लाइन लिखिए, लेकिन जो बीच में अब लिखा जाएगा ना, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खींचा जाता, सीधा खींचा जाता, लेकिन इसमें कैसे खींच दिया, इतने ऐसे तिरछा खींच दिया, इसलिए यह जो है लेटर सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा सही क्यों नहीं है, ये भी देखेंगे। और यह देखिए ये इस तरह से स्टाइलिश बना दिया, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। हम लोग नॉर्मल लेटर ड्राइंग में नॉर्मल लेटरिंग की जाती है, इस तरह से स्टाइलिश नहीं लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5, 7:5 है, ठीक है। लेकिन लेटर जो लिखा गया ऊपर देखिए 1 2 दूसरे खाने के ही यहाँ मिल गया, जबकि इसको यहाँ आना चाहिए था ना, सेंटर में आना चाहिए ना, एक ही भी गड़बड़ है। चौड़ाई देखिए पहले खाने शुरू हुआ 2 3 4, चौथे खाने में ही खत्म हो गया, 5वें तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा कि यह 7:5 में नहीं लिखा गया है, यहाँ पे भी सेंटर में नहीं है और यहाँ 7:5 के रेशियो में नहीं है। लास्ट वाला देखिए 1 2 3 4 5, 5 चौड़ाई तक लिखा गया है, बिल्कुल सही है। हाइट भी 7 तक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए 1 2 3 तीसरे के सेंटर में लिया गया, यह भी सही है। अब जो इसको ए को मिलाते हैं तो यह वाली लाइन में देखिए बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यह बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया जो हमारा इंक्लाइन लेटर है, ठीक है। चलिए और इंक्लाइन लेटर क्यों है, देखिए यहाँ पे झुका दिया गया ना, लाइनें कैसे खींची गई है देखिए, ये जो लाइन खींची गई है ऐसे, जबकि यहाँ पे ऐसे रहता तो 90 डिग्री सीधा रहता था ना, लेकिन यह तिरछा झुका करके, और वर्टिकल से 15 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री। अगले पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ हमारे सिंबल्स दिए होते हैं मटेरियल के, कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं कि कुछ सी मटेरियल को ड्राइंग में हम लोग दिखाते हैं तो उसको इस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं। कोई मटेरियल जब हमें किसी पदार्थ को दिखाना होता है तो उन्हें इस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यह सिंबल बनाया तो यह किस पदार्थ की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसी को कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे यह फिगर दे दिया, यह वाला इस तरह से या फिर इस तरह से, दोनों सेम ही फिगर है, चाहिए यह आपके एग्जाम में दिया हुआ था या मैंने अलग से लगा रखा कि अगर दोनों में से कोई भी दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह ऐसे अलग अलग सा दिख रहा है, जैसे आपने देखा होगा बालू गिट्टी देखते हैं ना, बालू गिट्टी जब एक में मिलाया जाता है तो ये कंक्रीट बोलते हैं ना उसे, तो बालू गिट्टी एक में मिलाते हैं तो इसी तरह से गिट्टी जगह जगह दिखाई देती है और मेन मेन बालू रहते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बालू गिट्टी है, मतलब क्या है कंक्रीट है। यहाँ ऑप्शन देखिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, कंक्रीट किसका फिगर है, कंक्रीट का। ग्लास का कौन सा है, तो देखिए याद रखिएगा ग्लास का सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है, ग्लास का, ठीक है। स्टील का सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है, मतलब एक आयत बना लीजिए और उसमें 45 डिग्री पर लाइनें खींच दीजिए, एक आयत बनाइए और 45 डिग्री पर लाइनें खींच दीजिए इस तरह से एक दूसरे से बराबर दूरी पे, तो ये हमारा किसका सिंबल होता है, स्टील का सिंबल होता है, किसका होता है, स्टील का होता है। वुड का, लकड़ी का, तो यह वाला देखिए सिंबल जो होता है लकड़ी का होता है, या देखने में ही लग रहा होगा जब कोई लकड़ी कोई मोटा पेड़ होता है जब उसको काटते हैं उसके तो देखेंगे तो इसी तरह से उसमें निशान दिखाई देते हैं, साइड से जब काट दिया जाता है तो साइड वाले से देखेंगे तो इस तरह से निशान बने हुए रेसे बने हुए दिखाई देते हैं, तो यह देखने में लग जा रहा है कि यह किसकी बात कर रही है, लकड़ी की ऊंट की बात कर रहा है, ये सिंबल हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला कह रहा है ए4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या,
ए फोर साइज। देखिए पेपर की बात कर रहा है, मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, बस आप एक याद रख लीजिएगा कि ए जीरो का साइज कितना होता है, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा बिल्कुल आसानी से बता लेंगे। जो हमारी ड्राइंग शीट की साइज होती है ना, वह ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, टोटल कितने हो गए, छह सीट हो गई। ये छह सीट की साइज हमारी यूज की जाती है, टोटल छह साइज हो गए, छह साइज हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ एक याद रखना पड़ेगा, किसका, ए जीरो का, आप बस एक याद रख लीजिए, बाकी सब अपने आप काम बन जाएगा ना। आप ए जीरो का याद रख लीजिए कि जो हमारा साइज होता है कितना होता है, 841 गुड़े 1109, सबसे बड़ा साइज यही है, एमएम में रहता है, किसमें रहता है, एमएम। ए जीरो का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए, बस मैंने बताया ना, बस आपको यही एक याद रखना है कि जो हमारा ए जीरो का साइज होता है वह सबसे बड़ी साइज होती है, और उसका साइज 841 गुड़े 1189 एमएम होता है। सिर्फ एक का याद कर लीजिए, बाकी अपने आप काम बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए ए जीरो का आपको पता हो गया, अब अगर मान लीजिए आपसे ए वन का पूछ ले कि भाई ए वन का साइज क्या है, ए वन का साइज क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना यह वाला जो पहला अक्षर है, जो पहला अक्षर है, इसको यहां सीधे उतार देना है दाहिने साइड, 841 लिख लिए, ठीक है गुड़े। आगे क्या आएगा, जो इसमें दूसरा अक्षर था उसमें दो का भाग दे देना है, किसका भाग देना है, दो का भाग दे देना है, या कह लीजिए जो दिया हुआ है इसको सेम टू सेम दाहिने साइड उतार दीजिए, और जो दाहिने वाला है उसको आधा करके बाएं उतार दीजिए, विपरीत, इसको इधर उतार दीजिए और बाएं वाले को आधा करके यहां उतार दीजिए। भाई दो से आधा करने का मतलब क्या, दो से भाग दे दीजिए, यहां भाग देंगे क्या, 2 5 10, ठीक है, 1 बज गया 18, 2 9 18, 9 बज गया 2 4 8, उसके बाद 1 बचा, अब दशमलव में जाएगा, हम लोग दशमलव वाला नहीं लेंगे, दशमलव के पहले तक जो सिंपल है बस वही लेंगे, तो 594 गुणे 841 आपका किसका साइज हो गया, ए वन का हो गया। अगर वही आपसे ए टू का पूछ ले, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा बाएं साइड वाला होगा ऊपर वाला, उसको जस्ट दाहिने साइड उतार देंगे, 594 है, 594 यहां उतार दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 594, और इधर वाला इधर करना है, लेकिन कैसे करना है, इसको आधा कर देना, आधा का मतलब दो से भाग दे देना है, 2 4 8, ठीक है, 2 2 4, 1 बज गया तो 0 बढ़ा देंगे, तब उसका भाग जाएगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, तो दशमलव वाला हम लोग नहीं लेंगे, 420 गुणे 594, दशमलव वाला नहीं लेना है, सिंपल लिखना, बस आधा कर दीजिए, दशमलव वाला मत लीजिए, ठीक है। ए टू का पता चल गया, अब ए थ्री का हमें चाहिए, ए थ्री का क्या करना होगा, सेम वही कहानी, इसको इधर उतार दीजिए, कितना हो गया 420, और इसको जो है इधर भेज दीजिए, लेकिन आधा कर करके, 2 2 4, 2 से भाग देंगे आधा हो जाएगा, 2 2 4, 1 बचा 19, 2 9 18, 2 7 14, 297 गुणे 420, ठीक है। अब अगला चाहिए ए फोर का, कोई दिक्कत नहीं है, ए फोर लिख लीजिए, वही करना, इसको उधर उतार दीजिए, 297 इस साइड चला गया, इधर क्या होगा, इसका आधा करके इधर लिख लेंगे, 2 2 4, 2 1 2 0, 210 गुणे 297। ये 5 का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, इसको इस साइड उतार दीजिए सीधे, जो बाएं वाला उसको दाहिने लिख दीजिए, जो दाहिने वाला है उसको आधा करके बाएं लिखना पड़ता है, आधा कर दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 4 8, 1 बचा 17, 2 8 16, दशमलव वाला नहीं लेंगे, सबका साइज पता चल गया। तो मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ आपको एक याद रखना, बाकी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसका पूछा था, ए फोर का, ए फोर का हमने क्या निकाला, 210 गुणे 297, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला अगला चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, ये दिखाया गया, पूछ रहा है किसका है, यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग देखते ही पहचान जाना चाहिए, पहले भी बनाते आए होंगे, कहीं भी जब भी लिक्विड को हमें दिखाना होता है, पानी को दिखाना होता है, तो इसी टाइप से तो दिखाते हैं, पानी या लिक्विड को ऐसे दिखाते हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भाई लिक्विड में मतलब पानी का पूछे, पेट्रोल का पूछे, केरोसिन ऑयल का पूछे, तो उसके लिए यही सिंबल यूज किया जाएगा, चाहे पानी हो, पेट्रोल हो, केरोसिन ऑयल हो, सबके लिए यही सिंबल यूज किया जाएगा, ठीक है। ग्लास, ग्लास वाला भी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि इस तरह से हमारा जो सिंबल होता है ग्लास का होता है। कंक्रीट का भी मैंने बताया था कि इस तरह से देखने में ये बालू गिट्टी जैसा दिखता है कि आपस में मिलाया गया है, तो ये कंक्रीट का सिंबल है। उसके बाद बचा क्या, एस्बेस्टास, तो ये जो सिंबल है एस्बेस्टास का, एस्बेस्टास का भी यही सिंबल है, और कई बार पेपर का सिंबल पूछता है, पेपर का भी यही सिंबल है, किसका, यही सिंबल हमारा पेपर का भी है, किसका है, पेपर, कागज का, कागज का भी यही सिंबल है, एस्बेस्टास का भी यही सिंबल है। कौन सा सिंबल है, हमने स्टील का देखा था, अगर स्टील का सिंबल कैसे होता है, तो 45 डिग्री पे ऐसे लाइनें खींच दी जाए ना, तो ये स्टील का सिंबल बन जाता है, एक दूसरे से बराबर दूरी पे, किसका सिंबल बन जाता है, स्टील का बन जाता है। और इसी में क्या किया जाए, अब एक लाइन होरिजेंटल खींच दिया जाए,
स्टील बना हुआ था 45 पे खींचने पे, अब इसी में क्या करें हॉरिजॉन्टल खींच दे, तो हॉरिजॉन्टल खींचने के बाद अब यह किसमें बदल गया, यह बदल गया हमारा एसबी स्टार्स या फिर ये हमारा पेपर का होता है, कागज का होता है, सिंबल यही होता है। कई बार लेड का पूछ लेता है, लेड का भी सिंबल ऐसे ही होता है। स्टील वाले में क्या था, स्टील वाले में हमने देखा स्टील का सिंबल 45 डिग्री पे हमने एक दूसरे बराबर दूरी पे लाइनें खींच दिया तो स्टील का सिंबल हो गया, किसका हो गया, स्टील का हो गया। लेकिन लेड में क्या होता है, इसमें भी 45 डिग्री पे लेकिन पेयर में लाइनें होती है, जैसे इन दोनों को एक साथ खींच दिया, फिर इन दोनों को एक साथ जब इस तरह से पेयर में लाइनें खींची होती है ना, यह किसका होता है, यह लेड का सिंबल होता है। ये सब याद रखिए, आगे आपके भी क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए आगे कुछ क्वेश्चन मिल गया। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने किसका है, अभी हम लोग पीछे देखते हुए थे, किसका है, ग्लास का है, आपको नहीं आप फिर जगह भाई ग्लास का है। कंक्रीट का, तो यह देखिए बालू गिट्टी जैसा दिख रहा है, कंक्रीट का हो गया हमारा, ठीक है। लकड़ी का, यह देखिए लकड़ी जैसा दिख रहा है ना, जैसे उसके लकड़ी काटने में जो रेसे दिखते हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। स्टील का, अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री पे लाइनें खींच देते हैं बिकट की तरह, तो यह क्या हो जाता है, स्टील का सिंबल हो जाता है। चलिए मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।